नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। प्रयागराज में हत्याओं का सिलसिला नहीं रोक पा रही पुलिस प्रशासन। प्रयागराज में एक सप्ताह के अंदर लगभग दर्जनों हत्याएं हो चुकी। औद्योगिक थाना के मुगारी टोल प्लाजा के समीप कल 16 साल की लड़की रेप के बाद हत्या। हत्या के बाद पोस्टमार्टम से लाश वापस आने के बाद परिजनों ने किया चक्का जाम। परिजनों का कहना है कि दिन दहाड़े रेप के बाद हत्या, 24 घंटे बाद भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसको लेकर मुगारी टोल प्लाजा के समीप चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने प्रशासन से मांग की कि हत्यारोपियों को गिरफ्तार करें, तब लाश प्रवाहित की जाएगी। हालांकि मौके पर पहुंचे सीओ कर्चना सच्चिदानंद के 24 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन के बाद लाश को मनैया घाट ले जाकर प्रवाहित किया गया। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो घर पे किसी को बता के नहीं गई थी वो। यहाँ से जब निकली तो आधा घंटा बीत चुका था, तो मम्मी लोग खोजने लगे इसे घर के आसपास में, पूछी कि सबसे कोई नहीं देखा था। फिर वो वहाँ नारे के पास में तो एक घर है, उनके घर गई रही। वहाँ से एक दो लड़की एक लड़की आई, मुझसे बोली कि वहाँ तुम्हारी सिस्टर गिरी हुई है, हम उसके पास में नहीं गए, पता नहीं उसे क्या हुआ है, जाकर देखो। तो हम यहाँ से जब गए तो वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से भाग चुकी थी, वहाँ पे नहीं थी, मतलब हम लोग से कुछ दूर पे जाके खड़ी हो गई, पास में नहीं आए। और हम देखे उसे तो वहाँ पे हाथ पैर थोड़ा खुला हुआ था, मोबाइल उसका कुछ दूर पे फेंका हुआ था, स्लीपर पैर में नहीं था, स्लीपर जो लैट्रिन के लिए डिब्बा लेके गई थी वो दूर पे फेंका हुआ था, पास में कुछ नहीं था। क्या ये पुरानी रंजिश थी या कोई, मतलब ये लोग साथ में वहाँ पे पहले पढ़ाई करती थी, वहीं पास उसके घर के पास में कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है 5 तक, वहीं पहले साथ में पढ़ाई करती थी, इन लोग से अच्छी दोस्ती थी, पहले लोग साथ में रहती थी। वो लगता है बुलाई थी घर पे, लड़की गई रही और वहाँ पे वो गई लड़की थी, उनके घर पे गई रही, उसे खदे रहे हम लोग, तो लोग भाग चुकी थी। और जब उसके गले में देखे तो रुपट्टा से कसा हुआ था, और वो लोग लड़की वहाँ पे नहीं थी, कसा हुआ था, खोलने लगे हम लोग, पूछे से हुआ क्या, ये हम नहीं जानते, हम यहाँ पर आए थे लैट्रिन के लिए, और तब देखे यहीं पे गिरी हुई। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी डेथ हो चुकी थी या फिर हो चुकी थी? हम गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, वही दो लड़कियाँ थी वहाँ पे, जब हम गए तो वो लोग बोले कि हम यहाँ पे आए थे लैट्रिन के लिए, तब इसे देखे यहीं गड्ढा में गिरी हुई है। हम उससे पूछे भी तो कहे कि नहीं, उससे क्या आपका संबंध है? हम लोग का कोई संबंध है, वो लोग जो इंस्पायर हुई इसकी, मेरी सिस्टर है, बड़े पापा की लड़की है। जी आपका नाम? मोना मौर्या।